अंबूर कोट अमरकंटक के पावन धरा को सादर सेवा जोहार करते हुए यहाँ के समस्त शक्ति को सादर सेवा जोहार करते हुए यहाँ उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति और समस्त अतिथिगण को सादर सेवा जोहार। देखिए भाई, मैं अब जानते हैं दादा मर काम की, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे देती हूँ। पहले मैं दादा हीरा सिंह मरकाम की बड़ी बहू हूँ, श्रीमती गोमती मरकाम, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो अभी नव निर्वाचित विधायक बने हुए हैं पाली तानाखार से, उनकी धर्म पत्नी हूँ। और एक जो राजनीति में आते हैं और सामाजिक होते हैं, उनका जो उनकी मातृशक्ति होती है उनके परिवार की, उनका काम आसान नहीं होता है। लगता होगा आप लोगों को कि हम लोग यहाँ आए हैं तो बहुत आसान काम नहीं होता है यहाँ हम लोग का आना, है ना। दादाजी के समय में जब मैं 12वीं पढ़ती थी तब दादाजी हमारे यहाँ पहली बार आए और बोले, मेरा बुक वहीं पर पड़ा हुआ था, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी उस समय, है ना। तो मेरी अम्मा से बोले कि मैं भेज दिया हूँ, बोले छत्तीसगढ़ी में। तो भाई अब भेज दिया हूँ तो अब हम लोग उस समय नहीं समझते थे, शहर में रहते थे हम लोग, तो मुझे समझ भी नहीं आया इसका। अम्मा से पूछी, बोले क्या पेच भी ना, बोले खाना खा ले भैया, बोले तो नहीं पेच भी नहीं आऊंगा, बोले आप बोले कि अब भाई पेच भी नहीं आना मतलब होता है हमारे छत्तीसगढ़ी में कि बेटी मांगना होता है, अम्मा वही बताई मुझे, ऐसा है। भाई उसी समय से मेरा राजनीति में आना चालू हुआ, बहुत संघर्ष भरा था मेरा जो चार मैंने शादी के बाद पहली बार ससुराल में खाना बनाना, और जब मैं विदा होकर के ससुराल आई तो पूरी फुल गाड़ी थी, माने 15-16 लोग थे साथ में, और सोचिए मैं कैसे खाना बनाई होंगे उस समय, ना मुझे उतना का आइडिया था ना कितना दाल बनाऊ चावल बनाऊ, और पहली बार वो भी। तो वही है कि राजनीति में आना बहुत सरल नहीं है, और उसके परिवार की जो मातृशक्तियां होती हैं उनका भी जीवन आसान नहीं होता है। भले हम आ जाते हैं मंच में बैठ जाते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग बड़े ही आसान से आ जाते हैं, ये हम लोग को समय निकालना पड़ता है और बहुत संघर्ष भरा होता है। कहे कि दादाजी के समय हमारी सासू माँ जो थी उनका भी बहुत संघर्ष भरा दिन था, कहे कि दादाजी ने, आप लोग को तो मालूम है कि वो पूरा जीवन सामाजिक और राजनीति में ही समय दिए, सबसे ज्यादा अपने अपने परिवार को तो बहुत कम ही समय दिए हैं, और सबसे बड़ा नतीजा है हम लोग, कहे कि ये सब उन्हीं की ही देन है जो हम लोग राजनीति में आए हैं। और अभी जो जा रहे बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी पहले तो भाई कुछ कुछ बातें बताते थे कि हम लोग ने खेती से माने हल चलाए हैं, सारे संघर्ष किए हैं, है ना, ऐसा है। हम लोग का जीवन बहुत कठिनाई भरा होता है, और खास करके मात्र शक्तियों का कहा है कि ये लोग तो निकल जाते हैं भाई अपना दौरा करने के लिए, तो हम लोग को पूरा परिवार संभालना पड़ता है, घर में मेहमानों को भी देखना पड़ता है और बच्चे लोग को भी संभालना पड़ता है। तो भाई मुझे तो खाना बनाना आता है और अपने मेहमान लोग को देखना आता है, मैं इससे ज्यादा मैं भाषण नहीं दे सकती, सबको सादर सेवा जोहार।